हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अरिथमेटिक क्वेश्चन की, जो कि आपको कंबाइन फॉर्मेट में दिया होता है और बीच बीच में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। जैसे कहीं पर ए लिखा होगा, बीच में कहीं पर बी लिखा होगा और बीच में कहीं पर सी लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो आपको ये वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होगा और डिफरेंट डिफरेंट इसमें पार्ट्स होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, इसमें प्रॉफिट लॉस दिया है, टाइम स्पीड डिस्टेंस दिया गया है और मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, ये तीनों को मिलाकर एक प्रॉपर सेट तैयार करा गया है। तो आप इसको एक तरीके से कैसलेट डीआई नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, मतलब इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक है। तो मेंस में ऐसे क्वेश्चंस पूछाने की उम्मीद है। ये क्वेश्चन मैंने लिया है practicemock.com की टेस्ट सीरीज से और क्लर्क और पीओ के और भी क्वेश्चंस आप जाकर इनके पोर्टल पर बना सकते हैं। नीचे मैं आपको इनका लिंक दे रहा हूं, ओके। अब यहां पर जो पहले पूरा क्वेश्चन है आपको एक बार देखना पड़ेगा। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, ये इंग्लिश हिंदी में लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया गया है। इसमें लिखा है मदन बास ट्रेवलिंग टू पॉइंट बी फ्रॉम अ पॉइंट ए। अब देखो, ये 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड दी गई है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस का कंसेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। अब देखो, ये ए ब्लैंक है तो ये वाली वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो बी निकालना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब दो पैटर्न होते हैं क्वेश्चंस के, ध्यान से मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा। जैसे मैंने आपको यह पैसेज बताया, इसमें क्या है कि तीन हमें बिंदु निकालने होंगे, ए और बी और सी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इंडिविजुअली भी, कभी कभी आप पूरा लाइन पढ़ोगे तो जहाँ पर ए खत्म हो रहा है तो पूरा एक पैराग्राफ होगा, बी वाला दूसरा पैराग्राफ होगा, सी वाला तीसरा पैराग्राफ होगा, तीनों को आप इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हो। एक इसका फॉर्मेट और होता है, अदर फॉर्म क्या होता है कि हम आपस में रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो होती है उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। कहीं पर जब आपका क्वेश्चन आएगा तो जो ए में इंफॉर्मेशन है वो आपकी सी में यूज हो जाएगी, जो बी की इंफॉर्मेशन है वो ए में यूज हो जाएगी, बी की जो है सी में यूज हो जाएगी, तीनों की आपस में यूज होगी। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है, तो क्या करोगे आप लोग, पहले स्क्रीन शॉट ले लो हिंदी इंग्लिश दोनों के साथ में, ताकि आप हिंदी वाले पोर्शन को भी एक बार देख पाओ, ठीक है। नहीं तो वीडियो पॉज करके पहले पूरे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, मैं इंग्लिश वाले पोर्शन को ढंग से आपको एक एक लाइन पर समझाने वाला हूं, ठीक है। तो ये हमारा इंग्लिश का पोर्शन है। मैं क्या करता हूं कि पहले क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। इसमें लिखा है मदन वाज ट्रेवलिंग टू द पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब मदन जो है पॉइंट बी से पॉइंट ए तक आता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जबकि मोहन वाज ट्रेवलिंग टू द पॉइंट ए फ्रॉम द पॉइंट बी। ये पॉइंट बी से पॉइंट ए आ रहा है मोहन, ठीक है। फिर इसकी स्पीड कितनी, 80 किलोमीटर पर आवर। दोनों ने बोथ स्टार्टेड टुगेदर, ठीक है, दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं और 3 घंटे बाद मिल जाते हैं। आफ्टर मीटिंग मदन, मदन से मिलने के बाद मोहन जो है ए ऑर्स टू रीच द पॉइंट ए, ठीक है। मोहन कितना समय लगाता है, ए ऑर्स लगाता है पॉइंट ए तक पहुंचने में। मदन, ठीक है, अब यहाँ पर क्या स्टार्ट हुआ, मदन वायज अ जीन्स ऑफ रुपीज 2816 आफ्टर रीचिंग टू द पॉइंट बी। तो ये दूसरा सेट यहाँ पर स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये अगली कहानी स्टार्ट हो गई। तो हमें यहाँ तक इतना पोर्शन सॉल्व करना होगा और इससे हम कुछ चीज़ें निकाल पाएंगे, जो ए की वैल्यू है वो हमारी आई होप यहाँ पर निकल सकती है। देखते हैं हम इसको सॉल्व पहले करके। तो देखो, इस क्वेश्चन का पहले एक बार नेचर समझ लो। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए रखा है, क्योंकि जब हम वैल्यू निकाल लेंगे ए की तो हमें ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। रिलेटिव इन्फॉर्मेशन हमेशा आती है। यहाँ पर लिखा है ना, यदि क्रांति की गति 100 किलोमीटर पर आवर है तो उसके द्वारा ए आवर्स में तय की गई दूरी ज्ञात करो। मतलब मुद्दा क्या है, ए आवर्स की वैल्यू निकालना, ठीक है, तब आप ये वाला क्वेश्चन बना लोगे। इफ द स्पीड ऑफ क्रांति इज 100 किलोमीटर पर आवर देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इन ए आवर्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मदन वाज ट्रेवलिंग टू द पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए। तो ये है पॉइंट ए और यहाँ से पॉइंट बी तक जा रहा है, ठीक है, ये कौन है, मदन, ओके। गति कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। वाइल मोहन वॉज ट्रेवलिंग टू पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट बी। अब देखो ये इस डायरेक्शन में है, पॉइंट बी से पॉइंट ए की डायरेक्शन में, ये कौन है, मोहन, ठीक है। इसकी गति कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर लिखा है बोथ स्टार्टेड टुगेदर, दोनों एक साथ, इसने स्टार्ट किया, इसने भी स्टार्ट किया। कुछ समय के बाद एक ऐसी सिचुएशन बनेगी कि 3 घंटे के बाद ये दोनों किसी पॉइंट पर मिल जाते हैं, ठीक है। बोथ स्टार्टेड टुगेदर एंड मीट आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे बाद ये मिल जाते हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर मीटिंग मदन मोहन टेक्स ए आवर्स टू रीच टू अ पॉइंट ए। मतलब मदन से मिलने के बाद मोहन जो है 1 घंटे लगाता है पॉइंट ए तक पहुंचने में। तो देखो पहले आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, आप डिस्टेंस निकाल सकते हो ए और बी के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये कितनी हो जाएगी। देखो ये दोनों अपोजिट हैं, ए से बी और बी से ए, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे 60 प्लस 80, ये हो गया 60 प्लस 80
40 × 3, तो 8 × 6 = 14, 14 × 3 42, ठीक है 42, तो एक जीरो और लग जाएगा, ठीक है 420 किलोमीटर आगे डिस्टेंस ए और बी के बीच में, ठीक है। अब हमें यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या समझनी होगी, लिख लाइन लिखिए कि आफ्टर मीटिंग मदन, ठीक है मदन से मिलने के बाद, तो आप यहाँ पर क्या निकाल लो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मदन इन थ्री और, तो अगर मैं निकालता हूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मदन इन थ्री और, ये कितना हमारा हो जाएगा, देखो पहले तो आप ये देखो कि ये 60 किलोमीटर मदन जो है ए से बी जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो तीन घंटे में कितना जाएगा 16 × 3 दैट इज 180 ये जाएगा, ओके। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोहन टेक्स ए ऑर्स टू रीच टू अ पॉइंट ए आफ्टर मीटिंग मदन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ये निकालोगे ए की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 180 जो मदन की डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, और इसको आप डिवाइड किससे कर दोगे, मोहन टेक्स ए ऑर्स टू रीच टू अ पॉइंट ए, ठीक है, तो मोहन की स्पीड से डिवाइड कर दोगे 80 से, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना आफ्टर मीटिंग मदन, मदन से मिलने के बाद, तभी हमने यहाँ पर मदन की डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाल दी, ठीक है। तो मोहन का कितना हो जाएगा, ए ऑर्स में मोहन पहुँचता है पॉइंट ए तक, तो ये हो जाएगा 180 जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड करी है मिलने के लिए वो, और डिवाइड कर दो मोहन की स्पीड से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, जीरो से जीरो हो गया, ये आपका हो गया 9/4 ओवर आपका ए की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो ए की वैल्यू हमारी आ गई 9/4, इसको हम लोग थोड़ा सा मिटाल देते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 9/4। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर क्रांति की गति 100 किलोमीटर पर आवर है, तो उसके द्वारा ए आवर्स में तय की गई दूरी जो है ये आप सभी को यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। अब ये तो आपको बताया कि जो स्पीड है वो कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर क्रांति की, तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है 100 और टाइम कितना लग रहा है 9/4 ए आवर्स में, तो ये 9/4 हो गया, 4 × 25 = 25 × 9 कितना हो गया 225, ठीक है किलोमीटर, ये डिस्टेंस यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन इजी बन जाएगा अगर आप इस फॉर्मेट में बनाते हो, ठीक है। अभी इसके आगे का पार्ट भी है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको पूरे क्वेश्चन में बताया था कि हमने यहाँ तक का रीड किया है, अब हम मदन बायज अ न्यू जींस यहाँ से रीड करेंगे, ठीक है। तो आगे की लाइन मैंने यहाँ पर रखी है, ठीक है, यहाँ से आपको बी की वैल्यू देखने को मिल जाएगी। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मदन बायज अ जींस ऑफ ₹2816 आफ्टर रीचिंग टू द पॉइंट बी, पॉइंट बी पर पहुंचने के बाद मदन क्या करता है 2816 रुपये की एक जीन्स जो है खरीद लेता है, ठीक है। फिर कहा गया है कि वाइल मोहन वायज अ शर्ट, ठीक है, ये जीन्स खरीदता है कितने की 2816 रुपये की, और मोहन जो है वो क्या करता है शर्ट खरीदता है कितने की 2508 रुपये की। फिर लिखा है आफ्टर रीचिंग टू द पॉइंट ए, ठीक है। फिर लिखा है प्रॉफिट अर्नड बाय शॉपकीपर्स ऑन सेलिंग जीन्स एंड शर्ट आर, जो शॉपकीपर है वो कितना लाभ अर्जित कर रहा है यहाँ पर, ये कर रहा है देखो जीन्स के ऊपर और शर्ट के ऊपर, जीन्स के ऊपर 28%, जीन्स के ऊपर 28% और शर्ट के ऊपर कितना 32%, तो पूछा क्या है रिस्पेक्टिवली। फिर लिखा है डिफरेंस बिटवीन द सीपी ऑफ शर्ट जीन्स एंड शर्ट, ठीक है, मतलब हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी जीन्स की और कॉस्ट प्राइस निकालनी होगा शर्ट का, और इन दोनों का डिफरेंस जो हम निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, वो ₹20 आ जाएगा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है क्वेश्चन ये, सीपी ऑफ जीन्स निकाल दो, सीपी ऑफ शर्ट निकाल दो, हमें पता है शॉपकीपर को 28% का प्रॉफिट हो रहा है इस 2816 पर जब वो इसको बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं सीपी ऑफ जीन्स निकालता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2816 डिवाइड बाई 128%, क्योंकि 28% का प्रॉफिट है ना, तो 128% में 100 ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, ये मैं जीन्स का सीपी बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से जो शर्ट है इसका सीपी ये कितना आ जाएगा, ये 2508 रुपये की है, ठीक है, और यहाँ पर प्रॉफिट कितना 32%, तो ये हो जाएगा 132% 100 ऊपर, ठीक है। अब इन दोनों को आप कट डाउन कर दो, ये कितने बार जाएगा 4 × 25 और 4 × 3 2 बार, ठीक है 32 हो गया। अब देखो ये किससे कटने वाला है, अगर मैं इसको फर्दर काटूँ 4 × 4 = 8 बार कट गया ये, और 4 × 7 और 4 बार, ये 704 हो गया। अब 8 से क्या कट जाएगा, 8 × 8 = 64 और फिर 8 बार 88 हो गया, 88 × 25 करोगे 25 × 8 = 220, तो ये कितना आ गया 2200 रुपये, जो कॉस्ट प्राइस है जीन्स का वो कितना है 2200 रुपये का, ठीक है। लेकिन खरीदा कितने में, इसने 2816 में खरीदा, तभी तो शॉपकीपर को 28% का फायदा हुआ, ठीक है, सीपी पर ही जो है प्रॉफिट निकल कर आता है, ओके। अब यहाँ पर हमें अगर ये निकालना है
कि इसका सीपी कितना होगा, शर्ट का सीपी तो 2508 डिवाइड बाई 132 इंटू 100। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते तो ये आपका कैसे कट जाएगा, ये भी आपका 4 से 25 बार जाएगा और 4 से 3 बार और फिर 4 से 3 बार 33 हो गया। अब देखो 11 से ये वैल्यू कटेगी क्या, चेक कर लेते हैं। 11 से 3 बार जाएगा, ये कितने बार जाएगा, 11 से 2 बार 22, 3 30 हुआ, 11 से 2 बार 8 और 88 8 बार। तो देखो 3 से क्या कटेगा, 3 से 7 बार 21 और 3 से 6 बार 18 है, 76 इंटू 25, 25 इंटू 6 150 होता है, 15 बचा, 25 इंटू 7 175, 175 और 15 ये हो गया आपका 190, तो ये 1900 आपका आ गया। दोनों का डिफरेंस 2200 और 1900, ये बी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2200 माइनस 1900 ये आ गई 300, ये आपका बी का आंसर आ जाएगा। अब अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, देखो आपने ए की वैल्यू पीछे भी निकाल दी थी, 9/4 आई, ठीक है, बी की वैल्यू आपकी आ गई, अगर ए और बी के बीच में कोई रिलेशन पूछ लिया जाए, ठीक है, कि ए इंटू बी निकालो, समथिंग कुछ निकालो, तो आप वहां पर कैलकुलेट कर पाओगे। ये क्वेश्चन के ऊपर, नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, ये डायरेक्टली आपसे पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। ओके, चलो इसके आगे का एक पोर्शन और हमारा बचा हुआ है। देखो ओरिजिनल क्वेश्चन ये था ना, तो अभी हमने कहां तक सॉल्व करी, यहां तक सॉल्व कर लिया, फिर लिखा है आफ्टर शॉपिंग, शॉपिंग के बाद अगली कहानी स्टार्ट होगी, उसको हम लोग यहां पर रीड करते हैं। ठीक है, यहां पर लिखा है आफ्टर शॉपिंग बोथ रिटर्न्स टू देयर ओरिजिनल प्लेसेस, शॉपिंग करने के बाद वो दोनों अपने अपने ओरिजिनल प्लेसेस पर आ गए, एक ए पर आ गया होगा, एक बी पर आ गया होगा, लेकिन व्हाट दिस टाइम व्हेन दे मीट बोथ कंज्यूम सम क्वांटिटी ऑफ ड्रिंक, इसके बाद जब वो दोनों मिलते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ क्वांटिटी ऑफ ड्रिंक जो है कंज्यूम करते हैं। ठीक है, फिर यहां पर कहा गया कि रेशियो ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इन मदन्स ड्रिंक एंड मोहन्स ड्रिंक इज 3:8 एंड 5:11 रिस्पेक्टिवली, मतलब जो एल्कोहल और पानी की मात्रा है, ठीक है, मदन की ड्रिंक में और मोहन की ड्रिंक में, इसका रेशियो आपको दिया गया है। फिर कहा गया कि टोटल क्वांटिटीज ऑफ एल्कोहल एंड वाटर कंज्यूम्ड बाय बोथ ऑफ देम टूगेदर आर 76 ml एंड 184 ml, मतलब यहां पर कहा जाए कि जो टोटल क्वांटिटी है एल्कोहल की, शराब की मात्रा और पानी की मात्रा, वो आपको दी गई कि दोनों मिलकर कितना कंज्यूम करते हैं, शराब एल्कोहल कंज्यूम करते हैं 76 ml और जो वाटर है ये कंज्यूम करते हैं 184 ml। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्रिंक कंज्यूम्ड बाय मदन इज cml, ठीक है, तो मतलब जो मदन के द्वारा क्वांटिटी कंज्यूम्ड है, ओके, वो कितनी है cml, इसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन आसान है, एक बार ट्राई आपने किया होगा तो होप सो बन भी गया होगा। देखो यहाँ पर मेरे पास दो बंदे हैं, एक तो मदन है, ठीक है, एक दूसरे कौन है, महानुभाव मोहन है। तो पूरी खरीदारी कर ली, उसके बाद आई बारी एंटरटेनमेंट की, अब ये लोग मौज करने वाले हैं। अब ये क्या करेंगे, एल्कोहल का कंज्यूम करेंगे, तो लिखा है ना रेशियो ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इन मदन्स ड्रिंक, मदन की जो ड्रिंक है इसमें एल्कोहल और वाटर ये किसने कितना दिया, ये दिया है 3:8, ये दिया है 8:8 में। ठीक है, अब अगर मैं मोहन की बात करूं तो मोहन में कितना है 5:11, एल्कोहल और वाटर ये कितना है 5 है और ये कितना है 11। ठीक है, तो यहां पर हम इसको मान लेते हैं 3x 8x, ये मान लो 5/11 और 11/11। अब ध्यान रखना एक पॉइंट, यहां पर कहा गया है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, ठीक है, एल्कोहल एंड वाटर जो उन दोनों के द्वारा कंज्यूम किया गया है वो कितना है, एल्कोहल है 76 ml और वाटर कितना है, पानी ज़्यादा है 184 ml। ओके, अब यहाँ पर आप इक्वेशन कैसे बनाओगे, बहुत ही सिंपल है, एल्कोहल में एल्कोहल की वैल्यू ऐड होगी और वाटर में वाटर की वैल्यू। तो देखो अगर मैं मदन की बात करूँ, मदन का एल्कोहल कितना है 3x है, मोहन का एल्कोहल कितना है, यह है आपका 5/, यहाँ पर ओके, तो ये यहाँ पर आपकी इक्वेशन बन जाएगी 3x + 5/, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 76 ml। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं वाटर की बात करूँ तो ये है 8x, ये है 11/, मतलब बन गई इक्वेशन 8x + 11y, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 184 ml। ओके, अब आप देखो इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकालूँ तो ये कितना आ जाएगा, 76 - 5/3, x की वैल्यू ये निकल कर मेरी आ गई यहाँ से, इसी x को यहां पर आप पुट कर दो तो कितना हो जाएगा 8 × ये जो x है इसकी जगह पर हम रखेंगे 76 - 5/3 + 11y = 184, ये आपकी बनेगी। अब देखो आप क्या कर सकते हो, देखो 11 × 3 ये हो जाएगा 33 और 3 की मल्टीप्लाई 184 से भी होगी, तो 3 × 11 ये हो गया आपका 33y और 3 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी 184 से, तो 3 × 184 करोगे कितना आ जाएगा, 3 × 4 12, 1 बचा, 3 × 8 24 और 1 25
और तीन और दो पाँच, 552। अब यहाँ पर 8 इंटू 76, 8 की मल्टीप्लाई 76 से करोगे कितना आ जाएगा, देखो 8 की 70 से करोगे, 8 सत्तर छप्पन 560 होता है, 8 इंटू 6 48, 560 प्लस 48 कितना आ गया, 608 आ जाएगा। अब ये माइनस का 8 इंटू 5 40 बाई, और ये प्लस का 33, तो हमारा आ गया, ठीक है। अब देखो 40 में से 33 को माइनस करोगे तो माइनस का कितना बचेगा, 7 बाई, और ये प्लस की वैल्यू 608 है, इधर जाकर माइनस हो जाएगी, तो 552 में से 608 को आप माइनस करोगे कितना बचेगा, 56 बचेगा माइनस का, वो भी क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, इधर जाकर भी ये प्लस की वैल्यू इधर जाकर माइनस हो जाएगी, तो 608 माइनस का है, प्लस का 552 है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, बाई कितना आ गया, 7 से 8 बार गया, बाई की वैल्यू आ गई आपकी 8। जैसे ही आपने बाई की वैल्यू निकाल दी तो आप क्या एक्स निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल दोगे, एक्स यहाँ पर कितना आ जाएगा, 76 माइनस 5 इंटू 8 40/3, 76 में से 40 गया 36 बचा, 36/3 ये कितना आ गया 12, आपको x की वैल्यू 12 मिल गई। यहाँ पर लाइन लिखी है टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्रिंक कंज्यूम्ड बाय मदन, मतलब मदन के द्वारा जो टोटल कंज्यूम्ड क्वांटिटी है वो कितनी है, CML है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि हमें क्वेश्चन क्या निकालना है, हमें यही तो पूछ रहा है ना, टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्रिंक कंज्यूम्ड बाय मदन, तो मदन ये है। अब देखो मदन कितनी क्वांटिटी में, 8:3:11 में ये कंज्यूम करते हैं, सीधी सी बात है, तो आपको x की वैल्यू पता है, तो 8 और 3 कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। 1:1 कितनी हमारी, x की वैल्यू कितनी आई, 12 आई, 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 इंटू 12 ये आपकी कितनी हो गई, 132। तो 132 का जो कंजप्शन है वो है मिस्टर मदन का, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आप अपने क्वेश्चंस को बना सकते हो। अगर आपसे मोहन का पूछा है तो ये बाई की वैल्यू रखोगे, 11 और 5 16, 16 इंटू बाई कर दोगे, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी मोहन की, ओके। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरीके का अगर क्वेश्चन आए तो हमें इस फंडे को अप्लाई करना है, क्वेश्चन को टुकड़ों में तोड़ना होता है और फिर हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। कभी कभी यार इक्वेशन बना दी जाती है कि आपकी इक्वेशन इस फॉर्मेट में बन रही है, a प्लस बी माइनस सी, इसकी वैल्यू आप निकाल कर बताओ, ठीक है। तो हमें अलग अलग तरीके पता होनी चाहिए, लेकिन मुद्दा क्या है कि a b c की वैल्यू निकालना, अगर आप a b c की वैल्यू निकाल दोगे फिर ये भी जितने भी यहाँ पर वैल्यूज आएंगे वो सारी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। प्रैक्टिस मॉक का फ्री मॉक अवेलेबल है, आप जाएं और जाकर अटेम्प्ट करें, ऐसे और भी क्वेश्चंस वहां पर मिलेंगे, मैं आपको और भी मेंस लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप सभी का सपोर्ट बहुत जरूरी है, आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते, तो ये आप सभी का चैनल है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अगर अप्रिसिएशन मिलेगा आप सभी का तो मैं और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊंगा इस चैनल पर, और भी वीडियोज़ आएंगी, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करें, और आपका जो भी पॉइंट हो वो नीचे आप मेंशन जरूर करें, ठीक है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में, ताकि हम और भी अच्छे तरीके से अपने सेशन को बना चुके हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे।